आज हम सैटरडे के दिन शैलेश और मैं जो है घर से अग्नेरी से होते हुए उडली खान से झलाहाट वाली रोड की तरफ को जा रहे हैं और वहाँ से हम झला में जो नदी किनारे बना हुआ एक मंदिर है, माता का मंदिर है या भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ भी देखेंगे और वहाँ से फिर आगे अपनी बाइक से हम सीधा झला वाली रोड से नया पुल जो बना है जो भटकोट को लिंक कर रहा है, झला और भटकोट को जो लिंक कर रहा है, उस रोड से निकल के वो सामने जो एक नया मंदिर बनाया है उन्होंने गोविंदाचार्य ने, उसको भी देखेंगे और उसके बगल में एक प्राइमरी स्कूल है उसके ऊपर भी भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ भी हम देखेंगे। वहाँ से होते हुए सीधे भटकोट के रास्ते हम सीधा जो है चकुटा की तरफ प्रस्थान करते हुए अपने निवास स्थान बैराठेश्वर मंदिर के पास में बसा हुआ बैराठ मंदिर के बीच में हमारा बना हुआ घर, वहाँ हम आज अपने घर में पहुँचेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी आज की जो है सफ़र है। वैसे हम निकलेंगे आगे, देखें कहाँ तक जाते हैं, अभी समय काफ़ी हो गया है, 4:45 बज चुके हैं और ये आपको दिखा रहे हैं कि ये झला का जो है गांव और हरियाली, चारों तरफ गेहूं की फसल हरियाली और बीच में रामगंगा नदी बह रही है। देखिए रामगंगा नदी बह रही है और उधर सामने भटकोट और भटकोट के बाद उधर चकुटिया वाली रोड में सब बने हुए अगल बगल स्कूल, वो सामने जो है वो केरला स्कूल है, दिख रहा है सामने पहाड़ के नीचे वो केरला स्कूल है, वहाँ इंटर तक की 10वीं तक की पढ़ाई वहाँ बच्चे लोग करते हैं। ये नीचे भटकोट है और ये रामगंगा नदी है और रामगंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ जो है हाट झला का सुंदर सा दृश्य आपके सामने दिखाई दे रहा है। गेहूँ की लहलाती हुई खेतें, बहुत हरियाली हो रही है, बहुत सुंदर, बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
मस्त है। और सामने वो पत्थर वाला भी और वो वाला भी है, पत्थर वाला भी पुराना भी और नया भी। नया वो लेंटर वाला। लड्डू मणि यहाँ कहाँ है? लड्डू मणि का मंदिर है वो। अच्छा मंदिर, मंदिर का नाम लड्डू मणि। ये दिखे नहीं रहा मेरे को, यहीं पर है ना? पता नहीं मंदिर को ही है भाई। मंदिर दिख ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा मंदिर। मंदिर किसी एक खेत है उसका पानी भर ऊपर नहर है ना। एक बार यार कथा था हुई थी ना, जो महाराज जी हैं वो यहीं तो रहते हैं, वहाँ ताल खेलते महाराज जी भी यही है। कौन से महाराज जी? जो वहाँ ताल खेल रहे हो शायद, कह रहा हूँ और गांव में खेल रहे ना बाबा। ये वो कुटिया जैसी बना रखी ना, हाँ रहने के लिए ऊपर है ये। जय हो भोलेनाथ। ये जी ये है झला का मंदिर, झला वालों का मंदिर है ये। ये सामने एक भक्तों की एरिया, यहाँ से भी सीधा रास्ता है। महाराज जी उन लोगों भते नहाए, उन लोगों की उनकी भते नहाए हम लोगों में कैसे बाबा है कोई भगत आ रहा है। सारे बाबा यहाँ बाहर के होते हैं ना, बाहर के ही होते हैं। बाहर ये लोग
नहीं नहीं अभी अंडे नहीं, अभी अभी तो पुल पे जाना है। उधर गोविंदाचार महाराज जो हम मंदिर में आएंगे यार, नया बना है वहाँ। कौन गोविंदाचार? वो जो सामने नया जो जो यहाँ जून जुलाई में जो रथ यात्रा निकलती है वो, हाँ जैसे वहाँ निकलती शहर में वहाँ तमिलनाडु का, हाँ रथ यात्रा हो रस्सा लेके खींचे लो बना दिया हमने यहाँ मंदिरों के सामने। जगन्नाथ वाली? हाँ जगन्नाथ मंदिर बना है वहाँ, बहुत बढ़िया। गोविंदा चाहत में है वहाँ के मालिक। अच्छा हाँ वो मंदिर है, उसके बाद ऊपर जो अमेरिका स्कूल है उसके ऊपर और मंदिर बने हैं, बढ़िया ऐसे मंदिर बने हैं। वाले वो दिख रहा वो जगन्नाथ वाला ओ सामने वहाँ दिख रहा है। अभी हम पुल पे जाने वाले हैं और वहाँ से दूसरे मंदिर की ओर जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर में जो नया बना है गोविंदाचार्य ने जो बना रखा है नया मंदिर। हाँ वहाँ तो बाइक से आना पड़ेगा, फिर पैदल थोड़े जाएंगे। नहीं तो बाइक तो वहाँ पर खड़ी रहेगी उनके घर पे, आगे तो वहाँ मंदिर तक थोड़ी जाते भाई, शायद पता नहीं जाते नहीं जाते वहाँ। मैं ला रहा हूँ चले ऐसी नीचे अब हम भटकूट पुल में से सैलेस, अभी थोड़ा रुक जाओ भाई। थोड़ा रुक जाना, बहुत दूर चले गए यार, बड़खावड़ हो रहा है यहाँ। झला झला का रास्ता है ये पुल पे, झला का रास्ता पुल तक। सारे ईंट बैठ गई है जगह ना, रास्ते में जो बिछी हुई ईंटें हैं ना सब ये पानी से बैठ गए हैं या बराबर फिटिंग सही नहीं हुई इनकी, रास्ता बैठ गया है। यहाँ से सही है आगे ना, ये झला पुल से कनेक्ट है, जमाए नहीं से ढंग से, बड़खावड़ हो गए ईंट ना।
बाकी तो इधर से सीमेंटेड, ये बहुत बढ़िया है, सुंदर। देखो ये झला गया, ये रितेश गया, शैलेश गया पुल से, इतना ऐसी बनना चाहिए था, इसने वहाँ था यार, वैसी बना नहीं ना, खड़ंजे की जगह पे ऐसी सीमेंट बनता, सीमेंट का बन जाता ना तब बहुत बढ़िया रहता है। चलो अब मैं चल रहा हूँ, कई पत्थर जो ईंट लगाए ना, ईंट की जगह में सीमेंट का बनना चाहिए, तो ईंट तो सारे खरुदा गए हैं, खाली बाकी इधर ठीक है। ये गया शैलेश बिस्ट, अब भटकोट का पुल आ गया है, झला और भटकोट को जो कनेक्ट कर रहा है पुल, उसमें अभी हम चल रहे हैं। ये बहुत सुंदर बना है, ये झला हाट को कनेक्ट करने वाला पुल जो भटकोट से बना है, बहुत अच्छा। और ये ये पुल बना कब था? ये अभी तो बना कितने साल, कौन का मकान है, उन्होंने पीछे बनाया है। ये है जी आपका, बढ़िया पुल, इसको ले आओ, आगे ले आता हूँ, आए आगे। आजा भाई, जगन्नाथ का मंदिर क्या काम हो रहा है, राज्य का मंदिर, रास्ता नहीं बना रहा, जगन्नाथ ने सीढ़ियां बना दी, नाना ये रास्ता है, मुझे लगता है बनी है, कोई गाड़ी आने वाला बना दिया उन्होंने, इतना छोटा सा घर जैसा लग रहा है था। जगन्नाथ मंदिर Yeah.
ढोलक बजाओ ढोलक। इसमें निकालते हो जगन्नाथ रथ यात्रा इसमें? हाँ इसमें तो निकलती है। तब तो बढ़िया बना देते हैं उसको सदा से। अभी तो तू वो हो रहा है बाहर बारिश में अच्छी रहता हो। ये तो मेहता भाई है कोई गाड़ी का मालूम है। महाराज जी नहीं रहते हैं? हाँ कहाँ तो यहाँ इसको बंद करना खोलना कौन करता है? वो आती है कौन? अम्मा लोग। हाँ चलो अच्छी बात। हाँ महाराज जी तो यहाँ पे है नहीं और मंदिर के दर्शन हो गए। हरे रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। महाराज जी कहीं बाहर चले गए टूर पर तो अब हम जाए यहीं पे किससे मिलना है किसी से नहीं। अब हम चल रहे हैं अपने घर पर। बहुत शुक्रिया आपका। जय हो कृष्ण टाटा बाय बाय जय श्री कृष्ण।